नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उनको लेकर आए हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। और एनटीपीसी की परीक्षा अभी हाल ही में लगभग होने ही वाली है, तो आप इन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख ले और आपको इससे पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा और उनके आंसर बता दूंगा, बाकी आप इन्हें घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जॉन ने कहा सैरोन मेरी दीदी के एकलौते बेटे की बेटी है, तो सैरोन जॉन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर है बहन। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी पर एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यानी कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी क्या होगी? तीसरा क्वेश्चन आता है, तो ये इतने आसान क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि SSC और रेलवेज इनमें सभी में ही जो पेपर करा रही है वो TCS कंपनी है, तो सारे ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ उसमें क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा कर वही पूछे जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जीव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। फिर आपका आता है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है, जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हीट किया जाता है? तो इसका आंसर है स्मैश। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन, ये रीजनिंग का है, ये गुना भाग वाला, मतलब प्लस को गुना कह देते हैं या गुना को प्लस कह देते हैं, इस तरीके का, बहुत आसान है। इसका आंसर आपको बी है, ये देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। फिर ये दोबारा क्वेश्चन ये आ गया, गुना को माइनस कह दिया या प्लस को गुना कह दिया, इस प्रकार के क्वेश्चंस, तो कुछ हल्के भी सवाल आएंगे और कुछ भारी भी। फिर अगला आता है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसमें दोस्तों इसका आंसर है सी, पृष्ठ प्रति मिनट, जिसे हम अंग्रेजी में PPM कह सकते हैं। फिर अगला आता है रीजनिंग का, ये भी काफ़ी आसान है, इसे आप हल कर देख सकते हैं। अगला भी रीजनिंग का ही है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल और किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग 100% आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये भी रीजनिंग का ही है, ये भी आप कर लेंगे। ये 13 नंबर का, ये भी रीजनिंग का ही है, ए को एक कह दिया तो ई को, ये ई 5 है, ए 1 है, टी क्या है, इन्हें जोड़कर 26 आएगा, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। फिर अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है आपका डी, मेद या फैट। ठीक है, फिर अगला आता है, ये ग्राफ से भी काफ़ी प्रश्न आएंगे आपके, इसे 5-6% बनेंगे या लगभग 3, कम से कम 3 तो मिलेंगे ही। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सभी ग्राफ के हैं, 2 क्वेश्चंस ग्राफ से है इसमें, तो आप इसी हिसाब से तैयारी करिएगा। फिर आपका ये रीजनिंग का ही है सवाल, ये भी उसी का है, ग्राफ से ही। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपके ग्राफ से आ गए, और ये भी ग्राफ का ही है, 5 हो गए। ठीक है ना, 5 सवाल ग्राफ से, जिसमें आपको कोई भी टेबल या कोई भी पहेली, किसी प्रकार का कुछ भी ग्राफ, ऐसे भी बनता है एक ग्राफ, इस तरीके से प्रीवियस ईयर्स के उसमें वो दे दिए जाते हैं, लाभ या हानि, उसकी परसेंटेज वगैरह पूछते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला सवाल आता है 18 नंबर का, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ठीक है, ये थे आपके मौर्य वंश के, देखो कितना आसान सवाल है। फिर आपका ये अगला सवाल आता है, ए और बी साथ मिलकर 40 दिन में काम करते हैं और उनकी काम करने की दर का जो अनुपात है वो 8:5 है, तो ए उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा, ये औसत का है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका 65 दिन। अगला सवाल देखते हैं, अगला कहता है, मस्जिदों
में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया, यानी कि इन मस्जिदों में से किसका निर्माण शाहजहां ने किया। तो इसका आंसर ए है, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने किया था। फिर अगला देखते हैं, श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। दोस्तों ये की गई थी 1948 में। फिर अगला आपका मैथ का आता है 22 नंबर, समकोण त्रिकोण का, सॉरी, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार मतलब बेस 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका मेंसुरेशन से है, ये भी ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन से भी काफ़ी रेलवेज में प्रश्न बनते हैं, तो आप मेंसुरेशन पर ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है। देखो कितना आसान है, बुद्धिमान आदमी को होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, फिर आपका ये मैथ से ही आ गया, ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ये हुई थी दक्षिण सूडान को। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे आता है आपका रीजनिंग का, ये भी आप कर लेंगे, स्टूडेंट को ये बना दिया इसने तो टीचर क्या बनेगा। फिर आगे देखते हैं, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है रोम, रोम कभी भी संशोधित नहीं होती, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, उनका अनुपात ये है, तो गुणनफल क्या होगा, ये भी हो जाएगा। आगे आता है आपका हेल्थ, हेल्थ को इसने ये बोल दिया तो हॉस्पिटल क्या बनेगा, कोडिंग डिकोडिंग से है ये सवाल। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। देखो कितना आसान है ये कर्नल रेजिनोल्ड डायर ने दिया था। ठीक है, ये तो किसी का गलत हुआ ही नहीं होगा। अगला प्रश्न आता है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपये हो जाएंगे, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर है ये 117, 128 रुपये। आगे देखते हैं, आगे ये भी रीजनिंग का है, ये भी आप कर लेंगे, ये भी रीजनिंग का है, कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, या आयु से है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जौन जौन से चैप्टर से सवाल इसमें पूछे गए हैं, माध्यिका भी आएगी। फिर आपका ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का है, नंबर 36, ये आपका नंबर सीरीज से है, और ये आपका कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। फिर अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे चुनिए। ठीक है, इसमें लुब्धक भिन्न है, यानी कि यही अलग है, बाकी सब मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि, ये सभी अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, ये पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना था। तो ये था दोस्तों न्यू होराइजन्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट का भी आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गहराई में तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन करंट से काफ़ी सवाल आपके 5-6 हैं तो लगभग पूछे ही जाएंगे। फिर आगे ये आपका रीजनिंग का है, ये 43 नंबर आपका मैथ का है। फिर 44 नंबर आता है, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किसने किया था, यानी कि किस देश ने किया था, ये भारत ने किया था, ये भी करंट अफेयर का है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, साइंस से भी काफ़ी प्रश्न बनेंगे, ये नमक का सूत्र है। तो आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी, इन सभी को पढ़ लीजिएगा, लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। फिर आगे आपका ये भी मैथ से है, नवधारा से। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। आगे देखते हैं, आगे फिर एक करंट का आता है आपका, 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये करेगा दोस्तों जापान। आगे फिर आपका ये टाइम एंड स्पीड से आता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ इनको आप ध्यान रखिएगा।
और फिर ये आ गया आपका पी एंड एल से है, फिर रीजनिंग, ये सभी मिक्स आएंगे इसमें, ये बहुलक से है ठीक है, और फिर इसमें ये सी आर आई एस पी आर का क्या अभिप्राय है ये पूछा गया है। इसका है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीटर्स, ये फुल फॉर्म भी आएंगे इसमें कुछ, ये भी ध्यान रखिएगा। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, ये बिहार का है, लोक नृत्य भी काफ़ी पूछे गए हैं ठीक है प्रीवियस ईयर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी हिसाब से अपनी तैयारी रखिएगा। ये एलसीएम से है क्वेश्चंस, और आगे आपका ये आता है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड संचार प्रणाली एवं पृथ्वी के नज़दीक उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है। तो ये है दोस्तों आपका DSCOVR, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपके कथन निष्कर्ष से सवाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ग्राफ से फिर ये एक और आ गया, एक ग्राफ से आपने ध्यान दिया होगा पीछे आया था, और एक ग्राफ से ये आ गया, इससे आपके प्रश्न बने दो तीन, तीन क्वेश्चन यहाँ, यानी कि 8 क्वेश्चंस आपके ग्राफ से पूछे गए हैं। फिर अगला आता है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोधी दोगुना किया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, ठीक है, ये आधी घट जाएगी, ये फिजिक्स पर भी ध्यान दीजिएगा। और ये आपके सार्थक क्रम, इसे क्रम में सेट करने वाले हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। ये नंबर सीरीज का है, ये भी मैथ का है आपका सवाल। फिर आपका ये आता है, बिजॉय शर्मिला से कैसे संबंधित है, यदि वह उन्हें अपनी माँ की इकलौती पुत्री की बेटी के रूप में परिचय करे, ये ब्लड रिलेशन से, इससे लगभग 2 प्रश्न तो आपके आने ही आने हैं ठीक है। फिर अगला आता है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी, ये सर क्लाइड बार्टले और सर जॉन बैग के द्वारा की गई थी। मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ये लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता ठीक है। ये आ गया, पी की लंबाई 5 फीट है, और ध्यान दिया है परछाई की लंबाई 7 फीट है, उसके बाद मापा गया कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट बनती है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई क्या होगी ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फिर अगला आता है, किस प्राणी ने के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था कि जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी जीवित रह सकता है, ठीक है, यह है दोस्तों आपका टर्डिग्रेड, ये ध्यान रखने हैं इस तरीके के। ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है, यह आप सभी को पता होगा, शुक्र। फिर यह आपका पी एंड एल का है, फिर एक और जीके का आता है, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यह भी सवाल किसी ने गलत नहीं किया होगा, 25 वर्ष और लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है ठीक है। और आपको जो ये 2019 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, इन पर आपको एक स्पेशल वीडियो हम देंगे ठीक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे करंट में काफ़ी प्रश्न बनेंगे। आगे देखते हैं, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, यह है G-SAT-7, काफ़ी फेमस है, ये आपने देखा भी होगा उस समय जब यह परीक्षा हुई थी। यह आपका नंबर सिस्टम है, ये कथन निष्कर्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। महिलाओं ने पहली बार वर्ष में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था, ये लिया था 2012 में ठीक है। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, ये था यूरी गागरिन ठीक है। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू की गई, ये 1973 में की गई। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती, यानी कि किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती, ये है आपका नेपाल। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये जर्मनी से लिए गए हैं। फिर ये आपका पी एंड एल का आ गया, और ये आपका मेंशुरेशन का है,
ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा मेंसुरेशन और पीएनडल से काफ़ी प्रश्न बन गए हैं इसमें, ये औसत का आ गया फिर दोबारा, तो ये सभी ये सारे के सारे वे है मेज पर ऐसे ऐसे बिठा दिए और ये फलाना ढिगड़ाना, इस तरीके के प्रश्न भी आपके काफ़ी बनेंगे। ये काफ़ी आसान होते हैं लेकिन देखने में ही बड़े हो, ये में थोड़ा समय लगे, तो इन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ये एलसीएम का फिर आ गया एक, फिर निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है, ये की जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी, ये की थी विलहेम रोइंटजेन ने, ये भी ध्यान रखना है। ये फिर आपका नंबर सीरीज का आ गया। कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, ये है तट पर मछली का पकड़ना। ये दोस्तों जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हल करने में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये आप घर पर बैठकर अपने आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और उसे कैलकुलेट कीजिए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने रॉन्ग किए और क्या आपका स्कोर बनता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है, इससे आपको अपने लेवल का भी पता लग जाएगा और आने वाली परीक्षाओं में भी इनमें से एक आध सवाल तो आपको मिल ही जाएगा। और इसी तरीके के प्रश्न ऐसा है, कुल मिला के बात यह है, मान लो एक प्रश्न आया आपका और ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, अगर नहीं भी सेम टू सेम नहीं मिला, एसएससी तो सेम टू सेम कर देती है लेकिन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, लेकिन होता वही है। तो इसी तरीके से आप ये इन पर सारी की सारी प्रैक्टिस कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कितने अटेम्प्ट किए इसमें से आपने ईमानदारी से, ठीक है ना, क्योंकि ईमानदारी से ही करेंगे तो फिर ईमानदारी से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये भी आपका रीजनिंग का है। फिर एक ये जीके का आ गया, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, इसका आंसर इन्होंने दिया नहीं, ये क्वेश्चन गलत पाया गया होगा, इग्नोर कर दिया ये ऑल कैंडिडेट के लिए, यानी कि बोर्ड ने इसे गलत घोषित कर दिया। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही है, ये आवासीय विखंडन, आवास विखंडन कह सकते हैं। मूल तत्वों की आवर्ती सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, ये थे दोस्तों आपके मेडलिफ, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर और ईमानदारी से देखिए कितने आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितने आपके रॉन्ग होते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। इससे आपको कई फायदे होंगे कि पता लग जाएगा कौन से चैप्टर से लगभग कितने सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके के, यानी कि क्या लेवल होगा। ये ना तो ज़्यादा हल्का है और ना ज़्यादा भारी, ये मॉडरेट लेवल है, तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिएगा। बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की वीडियोस उपलब्ध कराते रहें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।